नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। देश और दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। बीजेपी को निर्मला सीतारमण के पति ने दी सलाह, कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना के बजाय अपनाए नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का आर्थिक मॉडल। चुनावी रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सोनिया गांधी को कहा मरी हुई चूहिया, कांग्रेस पार्टी के नेता ने मनोहर लाल को कहा खच्चर। अमित शाह का बीजेपी सांसदों के क्षेत्र में दिवाली मनाने का फरमान, कहा आयुष्मान भारत के लाभुकों के साथ तस्वीर करें अपलोड। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 होमगार्ड की सेवाएं की समाप्त, अब 25 दिन के बजाय 15 दिन ही मिलेगी ड्यूटी। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी पर लगा था ओवैसी की हत्या की कोशिश का आरोप, जाना पड़ा था तिहाड़ जेल। भारतीय रेलवे ने रद्द की 261 ट्रेनें, भारतीय रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, कहा 5 साल में टोल से कमाई पहुंच सकती है 1,00,000 करोड़ प्रतिवर्ष। सैलरी संकट से परेशान बीएसएनएल और एमटीएल कर्मी पीएम आवास का करेंगे घेराव, भूख हड़ताल की दी चेतावनी। बच्चों के लिए बेहतरीन साबित होगा एलआईसी का न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, 118 रुपये के रोजाना निवेश पर मिलेंगे 25 लाख रुपये। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, कहा सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को जल्द दें सुरक्षा, मध्यस्थों ने बताया था जान का खतरा। अर्थशास्त्र का नोबेल विजेता बनने के बाद बोले अभिजीत बनर्जी, कहा डामाडोल है भारतीय अर्थव्यवस्था, तुरंत सुधरने के नहीं है आसार। दिल्ली पुलिस में निकली भर्तियां, सातवें वेतन आयोग के मुताबिक 81,000 तक मिलेगी सैलरी और भत्ता। अमित शाह के बेटे के बीसीसीआई सचिव बनने पर कार्ति चिदंबरम ने कसा तंज, कहा पिता के रहते इस पद पर मैं चुना जाता तो क्या होता। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा अल्पसंख्यकों के लिए स्वर्ग है भारत, नरक है पाकिस्तान। हरियाणा में चुनावी रैली के दौरान बोले राहुल गांधी, कहा अडानी अंबानी के लाउड स्पीकर बनकर रह गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। 72 दिन बाद कश्मीर में 40 लाख मोबाइल में लौटा नेटवर्क, इंटरनेट के लिए करना होगा अभी और इंतजार। महिला को इंजेक्शन देकर डॉक्टर ने बनाया हवस का शिकार, बनाया वीडियो, 54 साल के डॉक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में पुलिस हिरासत में बुजुर्ग की मौत के बाद भड़की हिंसा, आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी में लगाई आग, 15 गिरफ्तार। नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी से चुनाव में कांग्रेस ने लिया था आइडिया, मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर रहे हैं अभिजीत बनर्जी। जवान लड़के लड़कियों को हो रही थी दिक्कत, अब जीप भर कर कर सकेंगे बात, बोले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, राज्य में मोबाइल सेवा बहाल। नीतीश कुमार की बैठक में नहीं बुलाए जाने पर भड़के बीजेपी सांसद विधायक, कहा जनता हमें देती है गालियां। सहरसा में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में भगदड़, आरजेडी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर चली कुर्सियां। आज भागलपुर में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित, नाथनगर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने भरा दम। अररिया में महिला को खूंटे से बांधकर जिंदा जलाया, नवजात की हत्या के शक में दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। जमीन विवाद में शांति कायम करने बिहार पुलिस का हैरत अंगेज फैसला, बजरंगबली को लिया हिरासत में, बिहार वैशाली का है मामला। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।